इन फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं अभी आप सभी के सामने एक नया टॉपिक एडजस्ट टू के साथ आया हूँ। आपने लास्ट वीडियो में रिमूव टू के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे एडजस्ट टू। ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा है ये। सेंटेंसेस को जैसे हम टू हटा कर सेंटेंस बनाते हैं, तो वैसे ही उन सेंटेंसेस को जो हम टू हटाए थे अब वापस उसी फॉर्म में ले जाने की प्रक्रिया को हम एडजस्ट टू बोलते हैं। इंटरमीडिएट के सेक्शन में ग्रामर में यह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे सेंटेंसेस में हम टू हटाकर वापस जो सो हटाकर वापस टू की तरफ कैसे चलेंगे, सेंटेंस फॉर्म तरीके से समझते हैं। सेंटेंस दिया है, रिचा इज़ सो स्लो दैट शी कैन नॉट विन द रेस। रिचा इतना धीमे चलती है कि वह रेस को जीत नहीं सकती है। इस तरीके का सेंटेंस है। हमें यहाँ सो हटाना है और एडजस्ट कर देना है TOOT को। तो इस किस तरीके से करेंगे, देखें, रिचा इज़, इसके बाद में यहाँ पर सो दिया है तो उसको हटा कर हम वहाँ टू लगा देंगे। जो एडजेक्टिव दिया है स्लो, उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, और कंजंक्शन दैट दिया था उसकी जगह हम यहाँ टू का यूज़ करेंगे। और जो हमारा उद्देश्य था इसमें, कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होगा, उसको हटाने के बाद जो हमारा उद्देश्य था उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो टू विन द रेस सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे TOO जो है एक एडवर्ब है, लेकिन TOO जो है वो एक कंजंक्शन का काम करता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। TOO एडवर्ब, TO2 कंजंक्शन। तो TO2 जो है वर्ब के साथ जुड़कर यहाँ पर एक इन्फिनिटिव बनाता है, और TOO जो है इसकी स्थिति को बताता है स्लो की, कि किस तरीके की है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज। एक सेंटेंस का टाइप मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ सभी के लिए एक जैसी होती है, तो वहाँ पर हम जो है एक सेंटेंस ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें वन वर्ड यूज कर देते हैं, वो एनी वन, या सभी के लिए जो कॉमन होता है तो उसमें हम यूनिवर्सल मान कर चलते हैं। लेकिन इसी में एक टाइप और होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं सेंटेंसेस एक पैसिव में दिया रहता है, और पैसिव सेंटेंस को हमें पैसिव में ही बनाना है। जैसे द ड्रेस इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज। ड्रेस इतनी महंगी है कि हर कोई इसको खरीद नहीं सकता है। तो हम इसमें सो हटाने के बाद में सो की जगह पर टू यूज़ करेंगे पहले की तरह। द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली, टू एक अपनी तरफ से कंजंक्शन लगाएंगे, दैट इट कैन नॉट को हटा देंगे, और बी परचेज्ड को ऐसे जोड़ देंगे इसके साथ में। तो बी परचेज्ड जो है इसका वर्ब जो होता है वो हम टू के बाद लिख देते हैं, तो ये एक इन्फिनिटिव बन जाएगा और सेंटेंस होगा द ड्रेस इज़ टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग द लॉग वॉज सो हैवी दैट वन कुड नॉट लिफ्ट इट। द लॉग, लॉग एक लकड़ी के लट्ठे को बोलते हैं, लकड़ी के बड़े से टुकड़े को जो उठने में भारी है, यहाँ बताया जा रहा। तो द लॉग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट इट। इसको चेंज करके जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। तो सेंटेंस में फॉर्म करेंगे तो इसे वॉस के बाद जो सो लगा है उसको हटाने के बाद लिख देंगे TOO, और हैवी जो इसका एडजेक्टिव है उसे वैसे रहने देंगे, और टू लिफ्ट आगे हम इसे ऐड कर देंगे। तो द लॉग वॉज टू हैवी टू लिफ्ट इट, इस तरीके सेंटेंस हो जाएगा ये फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द रोड इज़ मार्सी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब एक टाइप मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ अत्यधिक स्थिति में होती है, अत्यधिक स्थिति में ख़राब या अच्छी, तो उसमें हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है, या फिर एक्सट्रीमली का यूज़ करते हैं, या ओवर का। तो एक टाइप आएगा सेंटेंस में जिसमें आपको ये तीनों वर्ड में कोई भी टाइप मिले, या तो आपको लिखा होगा द रोड इज़ मार्सी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर लिखा हो सकता है द रोड इज़ एक्सट्रीमली मार्सी, या फिर लिखा हो सकता है द रोड इज़ ओवर मार्सी। मार्सी का मतलब होता है दलदली या पानी से भरा हुआ। तो इसको जब हम रिमूव टू करेंगे तो यहाँ पर जो ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया है, इनको हटा कर हम यहाँ पर TOO मार्सी वर्ड के पहले लिख देंगे। तो ये वर्ड जो होते हैं इसकी अत्यधिक स्थिति को दिखाते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने बताया था कि जब इसको हम प्रयोग तब करते हैं, मार्स जो एक्सट्रीमली ओवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जब किसी भी एडजेक्टिव के बाद में कोई इन्फिनिटिव ना दिया हो, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस तरीके का सेंटेंस ये बन जाएगा। नेक्स्ट, द लैपटॉप इज़ सो कॉस्टली दैट इट कैन शी कैन नॉट बाई इट। लैपटॉप इतना महंगा है कि वह इसे खरीद नहीं सकती है। तो सेंटेंस को फॉर्म करेंगे सो हटाने के बाद, इस जगह पर TOO लगाएंगे, और कॉस्टली वर्ड वैसे ही रहेगा, और दैट की जगह पर यहाँ हम एक वर्ड जोड़ेंगे फॉर हर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शी कैन नॉट बाई इट, और जब शी
वर्ड के लिए सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं होता है तब हम ऐसा करते हैं कि उस जगह पर हम उसके एडजेक्टिव के बाद में फॉर लिखकर उसका जो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसे लिख देते हैं। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है हर होता है इसलिए हर लिख दिया, तो फॉर हर टू बाय इट। क्लियर। अब इस सेक्शन में मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है कि आपको यहाँ पर दो सेंटेंसेस में डेली दूंगा जिसमें आपको इन दोनों को बताना है कि इसका आंसर क्या है, तो मुझे कमेंट में लिखकर या इसे मैसेज करके मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस का सही फॉर्मेशन क्या होगा। पहला सेंटेंस है द बॉस इज़ टू बिजी टू टॉक अस, और दूसरा सेंटेंस है द स्वॉर्ड तलवार इज़ एक्सट्रीमली शार्प, ये बहुत ही धारदार है। तो इन दोनों का आंसर मुझे नेक्स्ट कमेंट में आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा, सभी लोग आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने प्रैक्टिस बुक से और कई बार सेंटेंसेस को पढ़कर उसे अच्छे से प्रैक्टिस में ले आकर इसे यूज़ टू अपने लिए करें। आई होप कि वीडियो के बारे में सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें कन्फ्यूज़न लगा हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको क्लियर कर दूंगा कि इसके बारे में जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय समय पर मिलते रहें।